नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम ग्रह सितारे और हम में। मैं हूँ आपके साथ सिमरन मिश्रा। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज क्या रहेगा खास। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत में हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि क्या कहता है आज का पंचांग और क्या तिथि आज के दिन की होगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष टैरो वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर सीमा जिंदल जी। सीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सीमा जी, इस कार्यक्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे आज के पंचांग के बारे में, जानेंगे कि आज का पंचांग हमें क्या कहता है। बिल्कुल सिमरन, तो आज के पंचांग की अगर हम बात करें तो आज है 29 अगस्त 2023, दिन है मंगलवार, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है जो कि 2:48 तक रहेगी। श्रवण नक्षत्र है आज के दिन और राहु काल लगभग दिन में 3:11 से प्रारंभ होकर 4:25 तक रहेगा। सूर्य का संग अभी सूर्य जो है वो सिंह राशि में भ्रमण कर रहे हैं और चंद्रमा आज मकर राशि में रहेंगे। सूर्योदय आज 5:49 पर है और सूर्यास्त 6:19 पर रहेगा। तो ये था आज का पंचांग। जी सीमा जी, ये तो बात हुई आज के पंचांग के बारे में। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम जानना चाहेंगे कि आज का दिन किन मायनों में विशेष है और क्या करना आज के दिन को और भी ज्यादा शुभ बनाता है, क्या उपाय करना चाहिए आज के दिन। सावन चल रहे हैं, सावन के महीने में मंगलवार है आज का दिन और मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी भगवान शिव के ही अवतार हैं। तो हनुमान जी की आराधना को हनुमान जी को प्रसन्न करने का दिन है। कहीं पर कोई परेशानियां आ रही हैं, शत्रु भय है, कोई बाधा है, तो उन बाधाओं को दूर करने में हनुमान जी सहायक हैं, क्योंकि ऐसा माता सीता ने उनको आशीर्वाद दिया था कि अष्ट सिद्धि नवनिधियां उनके पास रहेंगे। तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है हनुमान जी। तो जो भी अपने जीवन के संकट को दूर करना चाहते हैं, हर संकट की मुक्ति के लिए हनुमान जी से प्रार्थना की जा सकती है, सच्चे मन से उनकी पूजा और उपासना की जा सकती है। हनुमान जी शक्ति बल साहस ओज उत्साह इन सभी के देवता हैं। मतलब मंगल जो वार है, मंगलवार के दिन जो हनुमान जी का उपासना या पूजा की जाती है, वो अगर हम किसी एडवेंचरस या करेजियस किसी काम में हो तो भी हमें अपने आराध्य हनुमान जी को आज के दिन जरूर याद करना चाहिए, उनकी उपासना करनी चाहिए। जो लोग जिम के काम से जुड़े हुए हैं, जो लोहे की गाड़ियों के काम से जुड़े हुए हैं, स्पीड के काम से जुड़े हुए हैं, उन्हें हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। तो आज मंगलवार का दिन है तो हनुमान जी की किस तरीके से पूजा कर सकते हैं कि हनुमान जी की प्रसन्नता प्राप्त हो। हनुमान जी की मूर्ति पर चमेली का तेल और सिंदूर का लेप लगाना चाहिए या उन्हें अर्पित करना चाहिए। हनुमान जी राम भक्त रहे हैं, भगवान राम उनके आराध्य रहे हैं, तो भगवान राम का नाम लेने से भी हनुमान जी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। ऐसा कहते हैं ना कि जो राम का नाम ले लिया उसने पूरा भवसागर तर लिया, तो हनुमान जी उनका बेड़ा पार लगा देते हैं। आज के दिन राम नाम का सहारा लें, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं और अगर समय है आपके पास में तो आप सुंदर कांड भी कर सकते हैं। तो ये था आज के दिन का विशेष उपाय, जिन उपायों से आज के दिन को आप बहुत शुभ बना सकते। जी सीमा जी, अब हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे आज के राशिफल के बारे में, जानेंगे कि आज किस राशि का दिन कैसा बीतने वाला है और क्या उपाय करना उनके आज के दिन को और भी ज्यादा शुभ बनाएगा। शुरुआत मेष राशि वालों से करेंगे, जानेंगे कि आज का दिन इनके लिए कितना विशेष है और क्या उपाय आज के दिन इन्हें करना चाहिए। मेष राशि के जातक जो कि एरीज हैं, एरीज के लिए मैं कहना चाहूंगी आज उनको अपने जीवन में थोड़ा धैर्य बनाकर रखना चाहिए। धैर्य में कमी होना नुकसानदायक हो सकता है, पेशेंस के साथ में काम करें। लाइफ पार्टनर की सेहत कुछ नरम गरम रह सकती है तो उनके सेहत का ध्यान रखना है। आज आपका रूटीन जो है वो डिस्टर्ब रह सकता है, अव्यवस्थित रह सकता है, तो थोड़ी परेशानी उस वजह से भी हो सकती है। जो लोग व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उनके व्यापार की स्थिति में सुधार होने के संकेत नजर आ रहे हैं।
आज का दिन धर्म के प्रति रहेगा, झुकाव रहेगा, धर्म के प्रति श्रद्धा भाव बना रहेगा। तो कुल मिलाकर मिला जुला दिन है आपके लिए। हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान जी की उपासना करें और दिन की शुभता पूर्ण करें। बढ़ते हैं दूसरी राशि की तरफ जो कि वृषभ राशि, टॉरस। टॉरस, आज आपको भी पेशेंस बनाकर रखना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि बहुत अग्रसर ना हो आप, धैर्य से काम लें, इंतजार करें अपनी बारी का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कुछ नरम गरम स्थिति स्वास्थ्य की रह सकती है आज के दिन। जो लोग जॉब से जुड़े हुए हैं, नौकरी करते हैं, उनके कार्य क्षेत्र में, उनकी नौकरी में कुछ बदलाव के संकेत नजर आ रहे हैं, कोई चेंजेस उनकी लाइफ में, उनके नौकरी में हो सकते हैं। मन थोड़ा डिस्टर्ब रह सकता है, परेशानी हो सकती है, सेहत को कुछ नुकसान पहुंच सकता है। तो कुल मिलाकर अपने सेहत का और मन का ध्यान रखने का दिन है। आप पूरे पेशेंस के साथ में काम करें और अपने सेहत का भरपूर ध्यान रखें। आज के किसी भी मंदिर में सरसों तेल का दिया जला सकते हैं या फिर चमेली का तेल भगवान हनुमान जी को अर्पित कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ जो कि है मिथुन राशि, जेमिनाइंस। आज थोड़ा सा नेगेटिविटी बढ़ी हुई हो सकती है, आपका मन थोड़ा परेशान रह सकता है, व्याकुल रह सकता है। आय में कुछ कमी और खर्चों की अधिकता आपको परेशान कर सकती है। आज बढ़े हुए खर्चों से आपको कुछ तकलीफ भी हो सकती है। जिस भी वर्क प्लेस में आप हैं वहां पर आपका कार्य जो है वो बढ़ा हुआ रहेगा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी आपको आज के दिन। गुस्सा करने से बचें, क्रोध की अधिकता से बचें, अपने व्यवहार पर, अपने वाणी पर नियंत्रण बनाकर रखना आज आपके लिए ज्यादा उचित रहेगा। परिवार की बात करें तो पारिवारिक जीवन सुखमय है, तो आज के दिन दुर्गा कवच का पाठ कर सकते हैं और दिन की शुभता के लिए दुर्गा जी की उपासना कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ जो कि है कर्क राशि, कैंसर। आज थोड़ा मन डिस्टर्ब है, परेशान है, उदासी है, पर जो लोग व्यापार व्यवसाय में है, फाइनेंशियली देखा जाए तो उनका दिन अच्छा है, उन्हें लाभ के संकेत। भाग दौड़ की अधिकता रहेगी पर आपको उस भाग दौड़ से फायदा भी मिलेगा, लाभ के अवसर मिलने के संकेत नजर आ रहे हैं। तो जितना आप काम करते हैं उतने फायदे की भी फायदा भी होने के संकेत हैं। अपने किसी मित्र का सहयोग आपको आज प्राप्त हो सकता है, मित्रों के सहयोग से कुछ काम बन सकते हैं। आज के दिन को शुभ करने के लिए मंदिर में सरसों तेल का दिया जाए। पढ़ते हैं अगली राशि की तरफ जो कि है सिंह राशि, मतलब लियो। लियो जो पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए हैं उन्हें आज अपने शैक्षणिक कार्यों पर ध्यान देना चाहिए, और हो सकता है आज आपके घर में कोई धार्मिक आयोजन हो, कुछ धार्मिक क्रियाकलाप हो, उसमें आप व्यस्तता आपकी रह सकती है। भाग दौड़ बना रहेगा, भाग दौड़ की अधिकता रहेगी। रहन सहन कुछ डिस्टर्ब है, डेली रूटीन रोज की तुलना में थोड़ा डिस्टर्ब नजर आ रहा है। अपने सेहत का भरपूर ध्यान रखें, रहन सहन डिस्टर्ब हो लेकिन सेहत डिस्टर्ब नहीं होने देनी चाहिए आपको। माँ दुर्गा की पूजा करें, उनकी उपासना करें और दिन की शुभता प्राप्त करें। पढ़ते हैं अगली राशि की तरफ जो कि है कन्या राशि, कन्या राशि वर्गो। मन में आज अलग अलग तरह के ख्याल, कभी मन पॉजिटिव रहेगा कभी नेगेटिव रहेगा, तो इस तरह की उतार चढ़ाव की स्थिति देखने में आ सकती है। पारिवारिक जिम्मेदारियां आज और दिनों की तुलना में ज्यादा बढ़ी भी नजर आएंगी, तो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं भागना है। जो लोग जॉब में है, नौकरी कर रहे हैं, उनके स्थान परिवर्तन की संभावनाएं हैं, हो सकता है उनका कोई ट्रांसफर होने वाला हो तो वो ट्रांसफर हो सकता है। आपके वर्क में काम में वृद्धि हो सकती है, आपके काम का विस्तार हो सकता है। तो कुल मिलाकर मिला जुला दिन है आपके लिए। सुंदरकांड का पाठ करें और दिन की शुभता प्राप्त। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ जो कि है तुला राशि, लेब्रा। आज थोड़ा कॉन्फिडेंस कम नजर आ रहा है लेब्रा का, तो आत्मविश्वास पर ध्यान देना है आप। माता पिता का सहयोग, माता पिता का सानिध्य मिलेगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा। कुछ खर्चे बढ़े हुए हो सकते हैं, हो सकता है कि वाहन के रख रखाव में खर्चों में वृद्धि हो, तो खर्चों का ध्यान रखने की जरूरत है कि बहुत अनावश्यक खर्च ना हो। कारोबारी, आज अपने कारोबार पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, आज लापरवाही करने से आपको बचना चाहिए। हो सकता है कि कारोबार में कुछ कठिनाइयां सामने आए, तो
ध्यान देंगे तो कठिनाइयां आसानी से उन पर वर्क पाएंगे। बजरंग बाण का पाठ करें और दिन की शुभता प्राप्त करें। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ जो कि है वृश्चिक राशि। स्कॉर्पियंस, आज आपको अपनी वाणी में थोड़ा संतुलन बनाकर रखना चाहिए। वाणी में संतुलन बहुत आवश्यक है। हो सकता है पुराने मित्रों से आज संपर्क हो, मिलना जुलना हो उनसे। घर में कुछ धार्मिक कार्यों के आयोजन भी हो सकते हैं। कुछ पूजा पाठ और आयोजन में आप व्यस्त रह सकते हैं। आपको हो सकता है आज कोई गिफ्ट मिले, उपहार में आपको वस्त्र प्राप्त हो सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का आज आपको भी ध्यान रखने की जरूरत है। अपना आज अगर किसी को लौंग का दान करने हैं आपके लिए बेहतर, लौंग का सेवन करें, लौंग का दान। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ जो कि है धनु राशि मतलब सजिटेरियस। आज बेकार के क्रोध से आपको बचना चाहिए। अपने व्यवहार में नियंत्रण और संयम बनाकर रखना चाहिए। शिक्षा के कार्यों से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके कार्यों में आज व्यवधान आ सकता है, तो सावधानी रखने की जरूरत है। माता पिता का पूर्ण सहयोग दिन बेहतर है। आपको अपनी संपत्ति के रख रखाव के लिए आज कुछ खर्च करना पड़ सकता है। कुछ खर्चों की अधिकता आपको देखने को मिल सकती है। कॉन्फिडेंस भरपूर है, कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ व्यवधान आपको परेशान कर सकते हैं आज के दिन। आज कुत्ते को रोटी खिलाएं, अगर हो सके तो एक तरफ सेक के और एक तरफ सरसों तेल लगाकर कुत्ते को रोटी खिलाएं। दिन की शुभता आपको प्राप्त होगी। कुल मिलाकर जीव सेवा परम सेवा। अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं मकर राशि जो कि शनि की राशि है। कैप्रिकॉर्न, मन थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, अशांत हो सकता है, आलस्य बढ़ा हुआ हो सकता है। अगर हम फिजिकली बहुत एक्टिव नहीं होते हैं तो मन पे भी उसका असर आता है, मन में भी अशांति होती है। तो कोशिश करें कोई ना कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी से हम जुड़े रहें। संपत्ति कोई ऐसी आपको मिल सकती है जहां से आपके आय के साधन जनरेट हों, तो दिन फाइनेंशियली अच्छा है, वाहन सुख में वृद्धि होगी। तो अगर पैसा बढ़ रहा है तो खर्चों में भी अधिकता आज के दिन हो सकती है। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप मंगलवार के व्रत करें। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ जो कि है कुंभ राशि। एक्वेरियस, हो सकता है किसी मित्र का सहयोग प्राप्त हो और उस मित्र से के सहयोग से नौकरी के अवसर प्राप्त हो। तो जो लोग रोजगार की तलाश में आज का दिन उनके लिए अच्छा है। आय के साधन में वृद्धि होगी परंतु खर्च भी बढ़ सकते हैं। हो सकता है किसी यात्रा पर जाने का आपको मौका मिले और वहां पर खर्चों की अधिकता हो सकती है। अपने लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। कुछ नरम गरम उनका स्वास्थ्य रह सकता है। आज का दिन भाग दौड़ भरा, थोड़ा व्यस्तता भरा रह सकता है। कुल मिलाकर अपने आय पर तो वृद्धि है लेकिन व्यय पर थोड़ा सा लगाम लगाने की आपको जरूरत है। आज के दिन को शुभ करने के लिए सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अंतिम राशि की तरफ जो कि है मीन राशि आइसेस। अपने इमोशंस को आज आपको बैलेंस बनाकर रखें, कंट्रोल में रखें। अपने संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नौकरी में तरक्की के मार्ग प्रशस्त हो सकते हैं। अगर प्रमोशन ड्यू है तो प्रमोशन हो सकते हैं, या किसी अच्छी नौकरी की तलाश में है तो वो नौकरी भी लग सकती है। किसी मित्र का सहयोग मिल सकता है, तो कुल मिलाकर दिन आपका बहुत बढ़िया है। आज लाल चीजों का दान करें और दिन की शुभता प्राप्त करें। तो ये था 12 राशियों का हाल और किन उपायों से आज आप अपने दिन को बेहतर कर सकते थे, उसी हमने आपको जानकारी दी। पहले हमने चर्चा की आज के दिन विशेष, पंचांग और राशिफल, साथ ही जाना कि आज किस राशि का दिन कैसा रहेगा और क्या उपाय करना उनके दिन को और भी ज्यादा शुभ बताता है। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम सीमा जी से अब सवाल करेंगे दर्शकों के। तो सीमा जी, सबसे पहले दर्शक का नाम है सौम्या और ये भिंड से हैं। इनका सवाल है कि ये होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रही हैं और ये अपना रेस्टोरेंट खोलना शुरू करना चाहती है, तो कब तक ये अपना रेस्टोरेंट शुरू कर पाएंगी? जी बिल्कुल, तो देख लेते हैं कि होटल मैनेजमेंट का काम अगर कोर्स आप कर रही हैं तो वो आप कब तक रेस्टोरेंट शुरू कर पाएंगे। तो जो पहला कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल है, तो फोन्स, और फिर है द मून कार्ड। तो
कुछ चीजें जो मुझे नजर आ रही हैं, मुझे लगता है कि आगामी 6 महीने तो कुछ कठिन है आपके लिए, कुछ परिश्रम ज्यादा नजर आ रहा है, मेहनत ज्यादा नजर आ रही है और थोड़ा सा मन जो है व्यथित नजर आ रहा है आपका। तो अपने मन पर नियंत्रण रखें, प्रॉपर प्लानिंग करें, एक्शन से मतलब प्लानिंग के साथ में पूरी पढ़ाई और वर्क होना जरूरी है कि किस तरीके से वो हम फॉर्म कर सकते हैं। तो पूरी एक कंप्लीट स्ट्रेटजी के साथ में आपको ये शुरुआत करनी चाहिए। तो अगले जो दिसंबर के बाद, अगर हम कहें मार्च के बाद में आपका जो समय है, 6 महीने के बाद में, अगर आप पूरी एनर्जी के साथ में काम करते हैं तो मार्च के बाद में आपका रेस्टोरेंट शुरू होने के संकेत नजर आ रहे हैं। टाइम बिंग आपको अपने मेंटल कंडीशन को और स्ट्रोंग करना होगा। उसके लिए अगर आप, पूर्णिमा आने वाली है तो 30 तारीख को फुल मून के दर्शन करें और वहां पर मैनिफेस्ट करें अपने काम के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इसमें काफी मदद मिलेगी। और प्रत्येक पूर्णिमा का ध्यान रखें और पूर्णिमा के चांद के दर्शन करें। जी सीमा जी, सीमा जी, अगले दर्शक का नाम है करण और ये रायपुर से है। इनका सवाल है कि ये सर्जन बनना चाहते हैं, क्या ये बन पाएंगे? देख लेते हैं करण कि आप सर्जन बनना चाहते हैं तो क्या आप सर्जन बन पाएंगे। कुछ सवाल और मुझे पूछने थे जो कि थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, लेकिन ठीक है, अभी हम सिर्फ सर्जन बन पाएंगे कि नहीं उस पर फोकस करते हैं। तो मैं देख पा रही हूँ कि बिल्कुल आप सर्जन बन पाएंगे, पूरी डेडिकेशन के साथ में, पूरे डिसिप्लिन के साथ में। आपको अपनी पढ़ाई पर, अपने स्टडीज पर फोकस रहना होगा। अगर आप अपने डिसिप्लिन को बनाकर रखते हैं और बहुत ही अपना टाइम मैनेजमेंट में पक्के रहते हैं तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द ही आप सर्जन बन पाएंगे। अगर मैं देखूं आपके कार्ड्स तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपने पढ़ाई शुरू भी नहीं की है, तो अगर आप पढ़ाई शुरू करते हैं तो डेफिनेटली कुछ सालों में आप बहुत ही अच्छे सर्जन बन पाएंगे। उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी और मैं चाहूंगी कि आप बजरंग बाण का भी पाठ करें। इसके लिए बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो आपको अपने मन को नियंत्रण में रखने में, स्ट्रॉन्ग करने में मदद मिलेगी, साथ साथ में जो विघ्न बाधाएं आ रही हैं उससे भी बचाओ। जी सीमा जी, सीमा जी, ये अगले दर्शक का नाम है पूनम और ये रायगढ़ से हैं। इनका सवाल है कि इनकी शादी तय, दो बार इनकी शादी तय होकर टूट चुकी है। इनकी शादी का मुहूर्त, मतलब इनकी शादी कब तक हो पाएगी? इनके घर वाले बहुत परेशान हैं। देख लेते हैं कि पूनम जी की क्या परेशानियां आ रही है। मैं समझ पा रही हूँ कि तय होकर टूट रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कई बार कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ इस तरह की चीजें हैं, या तो आपकी कुछ इनर डिजायर्स हैं या फिर आपने कुछ ऐसे डिमांड रखी है जिसकी वजह से सामने वाले परेशान हो जा रहे हैं। आपके परिवार में से किसी ने कुछ ज्यादा कुछ इस तरह की बातें कर दी हैं जिसकी वजह से रिश्ते टूटे हैं। तो ये ध्यान रखना है कि अगली बार जब हम रिश्ता देखने जाएं तो कोई नेगेटिव बात या कोई इस तरह की बात नहीं करनी है जो किसी को खराब लगे। बहुत ज्यादा अपने डिमांड्स नहीं रखनी है कि हमारी बेटी या हमें क्या चाहिए, हम किस तरीके से रहेंगे। जीवन है, जीवन चक्र चलते रहता है, उसमें अच्छा बुरा सारी चीजें आती हैं और जो चीजें आए वो आपको फेस करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। कमिंग 6 मंथ की बात करूं तो अभी तो थोड़ा सा समय आपका क्रिटिकल नजर आ रहा है, लेकिन मार्च के बाद में समय बेहतर है। तो मार्च के बाद में आपका रिश्ता पक्का होने का संकेत है। तब तक के लिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आप मंगलवार के व्रत करें, जिसमें कि आपको नमक और तेल का त्याग करना होगा। मतलब आप मीठी रोटी घी में मोइन लगाकर वो खा सकते हैं, दही के साथ में फ्रूट्स खा सकते हैं। नमक और तेल का त्याग करें, मंगलवार का व्रत करें, मंगल स्त्रोत्र का पाठ करें, तो इससे आपको जल्द ही रिश्ता पक्का होने में आपको मदद मिलेगी। कहीं और कोई तकलीफ आती है तो आप उनसे पर्सनल काउंसलिंग और कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। जी सीमा जी, अगले दर्शक का नाम है अविनाश और ये कोरबा से हैं। इनका सवाल है कि इनके बेटे का काम में मन नहीं लगता, वो काम पर फोकस करना कब से शुरू करेगा? देख लेते हैं कि आपके बेटे का काम में मन क्यों नहीं लगता है और उसे फोकस शुरू करेगा।
आपका बेटा मल्टी टैलेंटेड है, वो एक बार में एक काम नहीं करना चाहता, वो एक बार में बहुत सारे काम करना चाहता है, जिस वजह से एक पर उसका फोकस नहीं हो पाता है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ या हनुमान चालीसा का पाठ करें और उसे प्यार से समझाने की, प्यार से कौंसलिंग करने की जरूरत है। डांट डपट कर आप उसे अपने कंट्रोल में कभी भी नहीं ला पाएंगे। तो उसके जीवन में हनुमान चालीसा को उतारें, और अगर वो दो रोज 2 मिनट रखते हैं, 2 मिनट में अगर हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसके कॉन्सेंट्रेशन में, फोकस होने में मदद मिलेगी। बच्चा बहुत टैलेंटेड है, अगर चार काम भी एक साथ फोकस वे में कर पाता है तो कोई बुराई नहीं है, उसे करने देना चाहिए। और मैं देख रही हूँ कि अगर आप इन उपायों पर काम करते हैं तो बहुत जल्द ही आपका बच्चा फोकस हो जाएगा अगले महीने, और उसका अगला महीना दोनों ही बहुत पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। तो कहीं कोई और काउंसलिंग या कंसल्टेंसी अगर दिक्कत आती है तो आप हमसे सलाह भी ले सकते हैं। जी सीमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए और दर्शकों को अहम जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। तो आज के कार्यक्रम में हमने बात की आज के पंचांग के बारे में, दिन विशेष के बारे में, साथ ही जाना किस राशि का दिन कैसा बीतेगा और क्या उपाय करना आज के दिन को और भी ज़्यादा शुभ बनाता है। इसके अलावा हमने दर्शकों के सवालों को जाना, उनके परेशानियों को जाना और बताया कि क्या उपाय करना उनके लिए अच्छा रहेगा। अपने सवालों के लिए हमें पत्र लिखते रहिए। इसी के साथ ग्रह सितारे और हम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।